Hi, welcome to Srijan India. 11th of December 2019, The Hindu में एक आर्टिकल आया है. आर्टिकल का नाम है डोपिंग टू विन ऑन रशियाज बैन फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट. व्हाट डज दैट मीन? डोपिंग का क्या मीनिंग होता है? जो वाडा सोसाइटी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने रशिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 साल के लिए बैन लगा दिया है. लेट अस सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज़ डेवलपमेंट. इसमें द हिंदू के न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी. सम एथलीट्स डू चीट बट व्हेन दे डू सो विद ऑफिशियल सैंक्शन इट इज़ एन एपिक क्राइसिस. व्हाट डज दैट मीन? कुछ एथलीट्स चीटिंग करते हैं बट अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड चीटिंग हो रही है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन कि जो स्टेट है वो स्टेट ही उस चीटिंग को सपोर्ट कर रहा है और सिस्टमेटिकली वे में वो अपने एथलीट्स को चीटिंग प्रमोट कर रहा है. देन ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है. इसी क्राइसिस को वाडा ने आइडेंटिफाई किया है और हाईलाइट किया है, और ये हमें जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्पोर्ट्स जो है वो बहुत एथिकल वे में कंडक्ट करने का क्राइटेरिया रहता है. सो लेट अस नो अबाउट दिस स्पोर्ट, दिस न्यूज़ डेवलपमेंट इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वाडा क्या है. वाडा जो है ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बनाया था, और ये इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है कनाडा में. इट प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स. अब स्पोर्ट्स में क्या होता है कि डोपिंग का मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि सपोज ह्यूमन बॉडी की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, बट बाय टेकिंग सम मेडिसिन, इफ इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 पुशअप्स, इफ आई टेक सम मेडिसिन आई वुड बी एबल टू मेक 500 पुशअप्स. सो इससे मेरे को एक एडेड एडवांटेज मिल गया और मैं स्पोर्ट्स इवेंट में बेटर परफॉर्म करूँगा. बट ये एथिकली रॉन्ग है क्योंकि हमने मेडिसिन का हेल्प लिया है. ये हमारा नेचुरल आउटपुट नहीं है, बॉडी का नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं है. तो इसलिए जो वाडा लाइक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सारे एथलीट्स का डोप टेस्ट करते हैं, उनका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, इसको लेके वो टेस्ट करते हैं कि जो बैंड मेडिसिंस है वो उसका इंटेक उस एथलीट ने किया है या नहीं किया है. आपने क्रिकेट में भी ऐसे इंसिडेंट्स सुने होंगे जब आपने जो लाइक पृथ्वी शॉ एक बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, उसका अभी रिसेंटली नाम आया था कि ही टुक सम मेडिसिन. वो मेडिसिन उसने ली थी कफ एंड कोल्ड के लिए, बट वो मेडिसिन परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट मेडिसिन थी. उससे जो बॉडी का पेन होता है वो कम होता है. सो जो डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो गया, बट ये एक इनोसेंट मिस्टेक कही जा सकती है. बट जो रशिया का केस है, रशिया में ऐसा हो रहा है कि स्टेट अपने एथलीट्स को एक सिस्टमेटिक वे में मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है सो दैट उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और वो इस इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए. अब इससे एक नया एंगल भी आता है कि क्या जो स्पोर्ट्स हम जिस पर्पस के लिए हम स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में रखते हैं वो पर्पस डिफीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. आज की डेट में आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में देयर इज लॉट ऑफ मनी, देयर इज लॉट ऑफ फेम, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. प्रेशर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का होता है बिकॉज you have to be like competition is huge, you have to keep on giving your best. plus जो दूसरा pressure आजकल develop हो रहा है वो हो रहा है national pride का. like countries अपने sports celebrities को ऐसे present करते हैं like they are war heroes, warriors हैं वो. so वो जो sports person है वो पूरे national pride का एक unsaid pressure carry करते हैं अपने ऊपर. see, so let us come back to this article. वाडा ने बैन किया रशिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर 4 ईयर्स. अब 4 साल हो जाएगा तो 2020 प्लस 4 2024, इसके लिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा रशिया, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए नहीं होगा, और 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में जो होने वाला है उसमें भी रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. बट पार्टिसिपेट का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि रशियन जो फ्लैग है उस फ्लैग के अंडर उसके एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. बट कोई एक इंडिविजुअल एथलीट है उसको पार्टिसिपेट करना है ओलंपिक्स में तो वो एक जेनेरिक फ्लैग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है. वो जेनेरिक ओलंपिक का अपना एक जेनेरिक फ्लैग होता है वाइट कलर का, उसके अंदर वो इसे पार्टिसिपेट कर पाएगा. सो
वॉट आर द चार्जेस प्रेस्ड अगेंस्ट रशिया? इसका एक बैक स्टोरी है, 2016 में रियो ओलंपिक्स हुआ था ब्राज़ील में, विसल ब्लोवर वहाँ पे एक आया। विसल ब्लोवर क्या होते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आप अपनी सोसाइटी में कुछ एक इंसिडेंट देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं जो आपके और लॉ के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये करेक्ट नहीं है, तो आप विसल ब्लोवर बन जाते हो। आप अथॉरिटीज़ को अवेयर कर देते हो कि सी दीज आर द रॉन्ग डूइंग्स विच आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ। तो एक विसल ब्लोवर ने 2016 रियो ओलंपिक्स में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को इन्फॉर्म किया कि रशिया एक सोफिस्टिकेटेड डोपिंग प्रोग्राम चला रहा है रशियन एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और ये गवर्नमेंट खुद इसको बैक कर रही है। वाडा ने इंक्वायरी किया और फिर उसने फाइनली रशिया को बैन कर दिया है। डोपिंग का मीनिंग हमें पता है, टेकिंग ड्रग्स ऑन मेडिसिंस और मेडिसिंस टू गेट अनफेयर एडवांटेज इन परफॉर्मेंस एट अ स्पोर्टिंग इवेंट इज कॉल्ड डोपिंग। सी व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज हैंड रिटन नोट्स एंड एस्पेशली दीज डेफिनेशंस एंड द स्टेटमेंट्स एंड द लैंग्वेज, यू नो इन द एंड इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और से इन एनी इंटरव्यू और वेर एवर यू हैव टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश, इन करेक्ट ग्रामर, इन कंप्लीट सेंटेंसेज। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर और आई मे से वेरी करेक्ट विद योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो इफ यू नो द डेफिनेशन, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन योर आंसर पेपर। दिस वुड help you, this would make a good impression on whosoever who is checking your answer book. So always try to remember the definitions. If you like it, you can by heart these definitions as well. इसमें अब एक जो दूसरा नया एंगल आता है वो आता है एथिक्स इन स्पोर्ट्स का। एथिक्स मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स में एथिक्स होते हैं, हमको जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। स्पोर्ट्स जो हमें मोटिवेट करता है और जो स्पोर्ट्स का इंटेंशंस है, जो पर्पस है स्पोर्ट्स लेने का, उसको हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें 5 रिंग्स होते हैं, ये 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को बताते हैं और ओलंपिक्स कंडक्ट करने का पर्पस ही ये होता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े, लोग आपस में कनेक्ट हों और एक हेल्दी और यूनाइटेड ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। एनीवे, अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमने रशिया को बैन तो कर दिया है, बट डज वाडा और आईओसी हैव कैपेसिटी टू एनफोर्स सैंक्शंस ऑफ सच मैग्नीट्यूड? देखो, रियो ओलंपिक्स हुआ, इसके बाद 2018 में प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स हुए, 2015 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हुई, 2018 में अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ। इन सब इवेंट्स में रशिया पे कोई एक्शन नहीं हो पाया डिस्पाइट उसको गिल्टी पाया गया था। सो देर इज नो रियल सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। तो ये जो बॉडीज हैं, वाडा हुआ या आईओसी हुआ, क्या इनके पास इतने टुथ है, इनके पास इतना फायर पावर है, डिटर्मिनेशन है, कैपेसिटी है कि वो रशिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री इटसेल्फ है उसको ये बैन कर पाए? अब इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी इस एडिटोरियल में, स्ट्रेडल द थिन लाइन बिटवीन टू पावरफुल बट ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पनिशिंग रशिया द कंट्री फॉर इट्स मिसडेनर्स while at the same time preserving natural justice for athletes who are clean. What does that mean? मतलब रशिया एज अ कंट्री को हम बैन नहीं कर सकते हैं बिकॉज रशिया एक हैंडफुल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि अगर आपके स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुआ है, रॉन्ग ऑफिसर्स हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन अगर रॉन्ग है तो उसके कारण हम इतने बड़े कंट्री को बैन नहीं कर सकते हैं, दैट वुड नॉट बी अ फेयर जस्टिस। So honest sports person end up paying the price for the machination of their corrupt administrator, right? अब इस पे आप एक question का answer try करो। Does increasing commercialization, money and even pressure of holding up national prestige is defeating the purpose of having sports event at the first place? Commercialization, व्यापार बन गया है ये, money बहुत सारा पैसा आ गया है, national prestige को hold करने का एक अनवांटेड प्रेशर आ जाता है स्पोर्ट्स पर्सन पे, तो इसके कारण जिस पर्पस के लिए हमने स्पोर्ट्स बनाए थे वो डिफीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसमें आप कुछ जैसे पॉइंट्स लिख सकते हो, ओलंपिक्स में 5 रिंग्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इसका पर्पस है लोगों को
एक साथ लाना, स्पोर्ट्स इज फॉर गुड, स्पोर्ट्समैन गेट नेम एंड फेम एंड मनी, सम गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, गो रॉन्ग, गो इनटू ऑब्लिवियन एंड डिप्रेशन. यू कुड सी मेनी स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अचानक बहुत सक्सेस मिलती है, पैसा आता है, नेम आता है, फेम आता है, बट ब्लिप आता है फिर तुरंत चला भी जाता है. फिर ये स्पोर्ट्स पर्सन का क्या होता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, डिप्रेशन में आ जाते हैं. एक बार वो इतना नेम फेम देख लेते हैं तो उनको नॉर्मल लाइफ में रहने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. देन मेडल टैली हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ नेशनल प्रेस्टीज एंड ऑनर. ऑल द कंट्रीज, लाइक अगर मेडल में हम थर्ड आए, हम सेकेंड आए, दे हैव मेड दिस अ नेशनल प्रेस्टीज इशू, प्रेस्टीज पॉइंट बना दिया है इसे. सो कीप अलाइव अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल स्पोर्ट्स कल्चर इज वॉट डू वी रिक्वायर इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. सो ये एडिटोरियल 11th ऑफ दिसंबर में आया था. डोपिंग टू विन ऑन रशियाज बैन फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट. वाडा की बात की, नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. देन हमने इस आर्टिकल में स्पोर्ट्स एथिक्स को बेसिकली टच करने का कोशिश किया है, जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का एक पूरा सेक्शन है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.